महाराष्ट्र में एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर शरद पवार ने बड़ा दांव चला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब पवार की बेटी सुप्रिया सुले ही एनसीपी प्रमुख होंगी। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को सुप्रिया सुले से फोन पर बात की है। ये बातचीत महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हुई। माना जा रहा है कि बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो गई है। राहुल गांधी की सुप्रिया सुले से फोन पर हुई बातचीत को इसी के मद्देनजर देखा जा रहा है। दोनों नेताओं ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने की संभावनाओं पर चर्चा की। इससे पहले सियासी गलियारों में यह चर्चा आम हो गई थी कि शरद पवार की एनसीपी चीफ से इस्तीफा देते ही राज्य में महाविकास अघाड़ी टूट जाएगी और बीजेपी विरोध की मुहिम कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन तेजी से बदलते घटनाक्रम से यह साबित हो रहा है कि शरद पवार ने इस्तीफे का दांव चलकर पार्टी और अघाड़ी दोनों पर कब्जा बरकरार रखने की कोशिश की है। गौरतलब है कि मंगलवार को एनसीपी चीफ शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई थी। इस कदम को शरद पवार की राजनीतिक चाल का अहम कदम माना जा रहा है। इधर एनसीपी कार्यकर्ता शरद पवार को इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाने में जुटे हैं, जिस पर पुनर्विचार के लिए पवार ने 2 से 3 दिन का वक्त मांगा है। हालांकि प्राथमिक तौर पर तय है कि पवार अब इस्तीफा वापस नहीं लेने वाले हैं।